MDDXR SOMG टेबलेट के बारे में और जानेंगे यह कब काम आती है, कितने दिन तक इस टेबलेट का यूज करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां हैं, कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या इसकी आदत पड़ती है या नहीं पड़ती है, तो संपूर्ण रिव्यू करेंगे MDDXR SOMG टेबलेट के बारे में। दोस्तों MDDXR SOMG टेबलेट एबटिक फार्मा कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसके अंदर जो कंटेंट आता है वो है डी विनलाफेक्सिन 100 मिलीग्राम के अंदर। ये दोस्तों जनरली एक एंटी डिप्रेशन सॉल्ट है, मतलब मानसिक रोग में दिया जाता है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम में दिया जाता है। ये शेड्यूल आज के अंदर आता है, डॉक्टर की सलाह से ही इसका यूज़ करना चाहिए, साइड इफेक्ट हो सकते हैं दोस्तों इस टेबलेट के। देखिए डिप्रेशन की प्रॉब्लम जैसे कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है, बहुत ज़्यादा नशे टाइट रहती है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो गया, कई दिनों तक सो नहीं रहा, ना खाना खा रहा, ना किसी से बात कर रहा, अंदर अंदर रहता है, अंधेरे में रहता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ा हो चुका है, डिप्रेशन में जा चुका है दोस्तों बहुत ज़्यादा, तो उसको बाहर लाने के लिए उसके ट्रीटमेंट में ये साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर दे सकते हैं। किस तरीके से काम करता है, देखिए दिमाग में दोस्तों कुछ केमिकल मैसेंजर होते हैं जो मानसिक रोग के कारण उनकी कमी हो जाती है, जैसे कि सेरोटोनिन, तो उसके लेवल को दोस्तों ये बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए काम करता है। उससे क्या होता है, उससे व्यक्ति के मूड में चेंज आते हैं और वो एक अच्छी ज़िंदगी को फीलिंग करने लगता है, मतलब फीलिंग बदल जाती है उसकी, हैप्पी हो जाती है, तो मूड को चेंज करने के लिए ये काम करती है। बात करें इसकी डोज की, तो इसकी डोज एक रात को ले सकते हैं या सुबह नाश्ता करने के बाद ले सकते हैं, दिन में दो भी ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है या कितनी सुधार है। और दोस्तों ये बंद हो सकती है, आदत नहीं पड़ती इसकी, बिल्कुल सेफ है, आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन डॉक्टर की सलाह से। ड्यूरेशन की बात करें तो ये एक शॉर्ट टर्म में भी यूज़ होती है, जैसे कि एक वीक के लिए, दो वीक के लिए, और कंटिन्यू दोस्तों कुछ मंथ के लिए भी चल सकती है, तो घबराने की बात नहीं, आप अपने डॉक्टर की बातचीत करके इसका यूज़ कर सकते हैं। बात करें इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे कि उल्टी हो सकती है, या लाइट सतर्क रह सकता है, लूज मोशन लग सकते हैं, साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सावधानी भेज की जैसे कि प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर की सलाह से ही इसका यूज़ कीजिएगा। अगर आप एल्कोहल यूज़ कर रहे हो तो इसकी डोज मत लीजिएगा, क्योंकि कुछ रिएक्शन हो सकते हैं। गाड़ी चलाते समय भी दोस्तों इसकी डोज नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या कि मसल्स रिलैक्स होते हैं, जो दिमाग की जो मसल्स है रिलैक्स करता है, उससे नींद आ सकती है दोस्तों, तो इसलिए गाड़ी चलाते समय भी नहीं लेनी चाहिए। तो फुल रिव्यू था MDDXR SOMG के बारे में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी मेडिसिन वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।